आज की पत्रकार परिषद में हमने पार्टी को मजबूत करने के सिलसिले में जो काम काज करना है ये तय किया है। मैं पार्टी के जिम्मेदारों के साथ महाराष्ट्र के कोने कोने में जाऊंगा, पार्टी के जो चाहने वाले हैं, पार्टी के जो काम करना चाहते हैं उनकी मदद करके एक नया संगठन बनाकर एक नए जोश के साथ काम करने की बात तय हुई है। हमने ये भी फैसला किया है कि बम्बई छोड़कर महाराष्ट्र में तमाम जो बॉडीज थे उनको डिजॉल्व किया जाए, नए लोगों को मौका दिया जाए, पुराने लोगों से मदद की जाए। हमने उन तमाम पदाधिकारियों का जिन्होंने पार्टी के लिए अब तक काम किया शुक्रिया अदा किया है। बहरहाल पार्टी को मजबूत करने के लिए हम काम को रख गए हैं और काम करते रहे। बनेंगे ना मुख्तलिफ स्टूडेंट यूनिट बनाएंगे, खवातीन की यूनिट बनाएंगे, यूथ की यूनिट बनाएंगे, एसटी एससी की बनाएंगे। पार्टी को सभी डायरेक्शन में मजबूत करने के काम तय हुआ। मुस्लिम इत्तेहाद को यकीनी बनाने के लिए क्या करें? वंचित आघाड़ी के साथ ये मतलब भविष्य में फिर एक बार मतलब उम्मीद की जा सकती है क्या? प्रकाश अम्बेडकर को इनिशिएटिव लेके एक बार फिर एमएम बनाएंगी? कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है, लोकल बॉडी के पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन है, उसमें आपकी क्या रद्द अमल है? देखिए पॉलिटिकल पार्टी से अगायन करने की बात हमारे जहन में है, मगर जब तक हमारे कायद मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से बात नहीं होती मैं कुछ नहीं कह सकता। इंशाल्लाह हम खियाल जमातों को साथ में रहना चाहिए, डेमोक्रेसी में सबके साथ में चल कर काम करना चाहिए। देखिए पहले हमारी पार्टी मजबूत करेंगे और जितने भी हम खियाल हम सम विचारी हो गएंगे उनको साथ में रहेंगे ना, कोशिश करेंगे ना।